लखने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा जानी लापरवाही की भी हद होती है बाबा, मैंने तुमसे कहा था कि चारे में दवाई मिलाकर खिलाओ बाबा, अब कोई भैंस बीमार हो गई तो उसका इलाज कौन करेगा? मैं करूंगा। अरे बाबा तुम पहले अपना इलाज कराओ, दिमाग काम नहीं करता है तुम्हारा। मैं क्या करूँ अब? अबे काम करो, रक्षा करो और निकलो, चलो। मेरी वफादारी का ये सिला मिला, अब मैं क्या नौकरी करूँ? एक काम करो बाबा, वो पीछे लाल किला है ना, उसमें जाकर नौकरी करो, चलो। बात करता है बच्चू, क्या हो गया, इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है? बाबा पूछो ना जानी से। क्या हुआ जानी? भैंसे बीमार होगी, इसमें मेरी क्या गलती? अरे बाबा एक भैंस को भी कुछ हुआ ना जानी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बच्चू ज्यादा गुस्सा मत करे, ठीक हो जाएगी भैंस। मुझे ये बताए कि वो शौकत भाई ने बुलाया, आज जाना है ना उनकी तरफ? हाँ बाबा जाना है, उनके भतीजे की शादी है ना, ये बताओ खाने में क्या होगा? बिरयानी, वो भी बीफ वाली। अरे बाबा वो रोज वाली या नली बिरयानी? अरे भाई कोई सी भी हो, हमें जाना है बस। हाँ बाबा जाएंगे जाएंगे। बच्चू भाई ये बताए कि लिफाफे में क्या दे रहे हैं? अरे बाबा क्या जरूरत है, खाली लिफाफा रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, उसमें नाम भी नहीं लिखेंगे बाबा, पता नहीं चलेगा दिया किसने है। बच्चू ये तो बहुत गलत बात है। बुरी बात क्या है सीमा मैडम, मैं भी अक्सर ये किया करता था। वैसे एक बात है बच्चू भाई, आते हुए पार्सल ले आना। अरे बाबा मैंने मना किया था नौकर रखो, लेकिन मुफ्ता नौकर मत। अरे कौन है? सलाम अलैकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, किससे मिलने? बाबा मैं बाड़े से आया हूँ। क्यों आयो हो, मैंने तो नहीं बुलाया। बच्चू भाई है, काम है उनसे। मैं बच्चू भाई की बहन हूँ, बताओ क्या काम है? वो बाबा भैंसे बहुत बीमार हो गई हैं। अच्छा किस अस्पताल में? बच्चू भाई ने दवाई का कहा था, वही लिखने आया हूँ। ओहो इसमें भला इतना परेशान होने की क्या बात है, मैं लिख देती हूँ। आप जानवरों की डॉक्टर है क्या? हाँ इलाज करो ना आपने। मैं आपको जानवर दिखता हूँ क्या? अरे बाबा मेरा मतलब है कि गांव में मैं देखभाल करती थी भैंसों की, इसलिए मुझे पता है। अच्छा अच्छा। अरे बाबा हमारा खानदानी काम है। तो फिर कौन सी दवाई खिलाऊं बाबा? अरे वही जो तुम खाते हो। क्या मतलब बाबा? अरे मेरा मतलब है कि कापी दो, मैं दवा लिखे देती हूँ। हाँ ये लो। ये दवा उसको खिला देना, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम खुद भी खा लेना। अरे मेरा मतलब है कि हल लड़े था, दिमाग खराब करे चले दे हल। वैसे कितना अच्छा होगा ना, जब वैसे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो अदा कितना खुश होगा और मुझे शाबाशी देगा। हाँ हाँ जरीना डॉक्टर हो गई है। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ है? क्या कैसे पांच भैंसे मर गई? अब क्या होगा? दवाई किसने बुलाई थी? हेलो हेलो हेलो, लाइन ही कट गई। बच्चू भाई। अरे बाबा क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहा है? क्या एक बहुत बुरी खबर है। अरे क्या हुआ बाबा, बेग साहब का तबादला हो गया क्या? अरे बेग साहब इसमें कहां से आ गए? अरे बाबा बताओ ना क्या बात है, बहुत अरसे से कोई बुरी खबर नहीं सुनी है। पांच भैंसे मर गई। क्या? अरे बाबा ये क्या बात कर रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जानी? मेरी वजह से नहीं हुआ, शकूर ने कोई दवाई मिला के दी थी। अरे बाबा वो दवाई शकूर को लिख कर किसने दी थी? पता नहीं, मैं जैसे पता करने लगा लाइन ही कट गई। बाबा जिसने भी वो दवाई लिख कर दी थी ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जेल करवा दूंगा बाबा। मैं तो कहता हूँ उसे फांसी के तख्ते पे लटकाएं। जरीना बाबा एक काम करो, पुलिस को फोन लगाओ बाबा। पुलिस, ओए पुलिस। जानी पता करो बाबा, मुझे बनना चाहिए बाबा। अरे बाबा पानी ले ठंडा आपके लिए। Like
अरे बाबा बच्चो, अरे बाबा कहाँ हो तुम लोग? बाबा कहाँ भाई? अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, आप अचानक, सब खैरियत तो है ना? अरे बाबा बच्चों का फोन आया था, कह रहा था कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो गया है, सब ठीक तो है ना बेटा? वो बाबा साहब 5 भैंसे मर गई हैं। है? वो कैसे मर गई? पता नहीं, मुझे बता के थोड़ी मरी हैं। बाबा साहब आप? हाँ मैं, लेकिन ये तुम बैग लेके कहाँ जा रही हो इस वक्त? बाबा साहब मैं गांव वापस जा रही हूँ आपके पास। मैं तो यहाँ आ गया हूँ। आप ठीक है, आप गांव चलो, मैं पीछे आ जाती हूँ। क्यों बाबा, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? नहीं तो फिर क्यों जा रही हो गांव? वो यहाँ मुझे सर्दी लग रही है। अरे बाबा सर्दी तो गाँव में है, यहाँ तो गर्मी है। हाँ गर्मी इधर और ज्यादा हो जाए, इसीलिए जाना पड़ेगा। वैसे हम तुम्हें बोल बोल के थक गए, तब तो तुम नहीं गई गांव, अब क्यों जा रही हो? वो मुझे घास याद आ रही है इसीलिए। घास तो भाई लॉन में लगी हुई है, जाके देख लो। अब नहीं नहीं मुझे गोट की ही देखनी पापा, बस मुझे जाने तो चलो भला। कोई जरूरत नहीं है गांव जाने की, बस तुम यही रहोगी। नहीं खुदा के वास्ते जाने नहीं, 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 नहीं बस यही रहोगी यही। पापा साहब चलो अंदर, चलो चलो। अरे पापा साहब नहीं जा, अरे पापा साहब वो तो सही। 5 भैंसों का मर जाना कोई आम सी बात नहीं है, यकीनन ये किसी की साजिश है। बच्चू भाई कहीं आपके दुश्मनों का हाथ तो नहीं? अरे बाबा एक तो मेरे दुश्मन नहीं है, दूसरा उनका हाथ है, क्यों होगा मेरी भैंसों के मरने पे? अच्छा जरीना तुम बताओ ये किसका काम हो सकता है? मुझे तो आप पर शक है। ये क्या बकवास है, मेरा भैंसों से क्या ताल्लुक? क्यों भैंसे आपकी कुछ नहीं लगती क्या? अरे बाबा पूछ गछ करनी है तो वो शकूर को बुलाओ गांव से बाबा, उससे पता करो कि किसने कहा था कि ये दवाई दो। आदा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गांव चली जाऊं। अरे जरीना तुम तो चुप करो। अच्छा बेग साहब ये बताएं कि अगर कातिल पकड़ा गया तो कम से कम कितनी सजा होगी? 5 भैंसों का कत्ल तकरीबन 70 साल सजा हो सकती है। बाबा इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं होगी। क्या बाबा क्या कह रही है? अब बाबा मेरा मतलब है कि हो सकता है कि कातिल की इतनी उम्र ही ना। हाँ बेग साहब अगर कातिल पकड़ा जाए ना सीमेंट से ज्यादा सख्त सजा दीजिएगा। जानी अगर आज मैं ट्रेन में बैठू तो कल गांव पहुंच जाऊंगी ना। अरे जरीना तुझे गांव जाने की क्या पड़ गई है? जरीना भैंसे कहीं तुमने तो नहीं मारी? हाँ ना। क्या मेरा मतलब है कि बाबा मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा अच्छा आप लोग परेशान ना हो, ये यकीन रखें कि कातिल बच के भाग नहीं सकता कहीं। बाबा बेग साहब वो तो ठीक है, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ शकूर को बुलाओ बाबा जानी फोन करके, बाबा उससे पूछकर शुरू करो तभी कातिल का पता चलेगा। हाँ बाबा करो। उनका एक बार लेके अदा मैं आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेग साहब मैं बता रहा हूँ मुझे कातिल चाहिए बाबा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हेलो भला ये मेरे को बताओ कि तेजगाम पहले पहुंचाएगी या शालीमार? अरे बाबा गोठ जाने के लिए पूछ रही हूँ। शकर शकर हाँ हाँ अच्छा चलो ठीक है मैं बताती हूँ। जरीना खैर तो है, कहाँ के टिकट बुक हो रहे हैं? वो मैं गांव जा रही हूँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। हाय 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 तुम तो कहती थी कि मैं अब मर के यहाँ से जाऊंगी। अरे नहीं बाबा मैं कह रही थी कि मैं यहाँ रहूंगी तो मर जाऊंगी। अरे बाबा जरीना ये क्यों तुम बार बार जाने की बातें कर रही हो? बस बाबा से वो जब से पैसे भरे ना मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाबा किस बात का डर लग रहा है? बस बाबा से मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मैं भी ना मर जाऊं। अरे बाबा कौन मारेगा तेरे को? पैसे हाँ ना जैसे पैसे मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। पैसे मगर वो क्यों मारेंगी? मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो जरीना। बाबा देखो अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना। अब नहीं बाबा सही कोई बात होगी तो भला मैं बताऊंगी ना। अरे जब कोई बात ही नहीं है तो क्या मुसीबत है जाने की, और वैसे भी तुम देख रही हो घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं। अरे बाबा जरीना ये भैंसों का मसला हल हो जाए और कातिल को फांसी लग जाए तो फिर तुम चली जाना। अरे बाबा कातिल को फांसी होगी तो फिर भला मैं कैसे जाऊंगी? अरे जरीना तुम तो ऐसे डरी हो जैसे फांसी पे तुम चढ़ रही हो। नहीं बाबा मैं नहीं मैंने 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 मैंने
बाबा जी हो गया इसको। अरे बाबा इसको जो है ना भैंसों का गम लग गया है। हाँ बेचारी। हाँ बेटी बड़ी जबरदस्त गई आपकी तो वजह वाकई। शुक्र है। अरे जरीना तुम कहाँ जा रही हो ये चुपके चुपके बैग लेकर? मैं बाग तोड़ी रही हूँ, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, वर्दिश। वर्जिश? वो भी बैग हाथ में लेकर? वो मैंने टीवी में देखा था ना कि हाथ में वजन उठा के वर्दिश करते हैं, इसीलिए। खैरियत तो है जरीना, क्या हुआ? नहीं नहीं मैं घर थोड़ी छोड़ के भाग रही हूँ। कोई ना कोई बात तो है, सच सच बताओ जरीना। जरीना तुम रो क्यों रही हो, बताओ तो सही कुछ। अदा मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो पैसे मैंने मारी है। कैसे? अरे वो बुआ शकुर गांव से आया था, बोल रहा था कि पैसे भी मारे मेरे अपनी तरफ से, दवाई लिख के दे दी और पैसों ने खाई मर गई। पर क्यों? अरे बाबा मेरे को क्या पता था, मैं समझी हूँ सही देगी, लेकिन वो तो मर गई, अब क्या होगा। अच्छा अच्छा जरीना तुम रो नहीं, कुछ करते हैं जानी, कुछ करो ना। मैं काम करता हूँ, पुलिस को फोन करके आता हूँ। नहीं मेरा मतलब है कि इसको बचाने के लिए कुछ करो। अच्छा अच्छा, इसके लिए ये है कि इल्जाम किसी और पर डालना पड़ेगा। है लेकिन किस पे? शौकत भाई पे। ठीक है। वो कैसे? आइडिया है एक मेरे पास। क्या बताओ? अंदर चलो मैं बताता हूँ। चलो 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 चलो। अरे बाबा कौन है? जी बाबा फरमाइए। हेलो मैं मैरी हूँ। मेरी है? नहीं नहीं आपकी नहीं हूँ, मैं मैरी हूँ। जी जी मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप मेरी है। अरे मेरा नाम है मैरी। अच्छा अच्छा आपका नाम मेरी है, बोले बाबा क्या बात है? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, गरीबों की मदद करती हूँ, आप चंदा देंगे? चंदा? हाँ बाबा देंगे चंदा, बताएं चंदा। जी मेरा मतलब है कि आप काम क्या करती हैं वो बताएं। जी हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों के घर में मुफ्त राशन तकसीम करते हैं, छोटे बच्चों की स्कूलों की फीस भरते हैं और कुंवारों की शादियां करवाते हैं। आप शादी भी करवाती हैं? जी। आप मेरी शादी करवा देंगी? आपकी शादी नहीं हुई? नहीं ना। अच्छा अच्छा तो बताएं किस तरह की लड़की चाहिए आपको? अरे बस अच्छी सी हो, सादा सी हो, लोगों के काम आती हो, दूसरों की मदद करती हो, बस। ये सब तो मैं करती हूँ। आपकी शादी हो गई है? नहीं। आप करेंगी मुझसे शादी, आपको सवाब मिलेगा। सवाब कैसे मिलेगा? अरे बाबा जब मेरी आपसे शादी होगी तो हमारा बेटा होगा, उसका नाम हम रखेंगे सवाब। इस तरह आप मुझे मिलेंगी और आपको सवाब मिलेगा। ये किसकी आवाज है? ये मेरी बीवी की आवाज है। झूठे इंसान, अभी तो आप कह रहे थे मेरी शादी नहीं हुई। अरे बाबा दूसरी नहीं हुई, पहली तो हो गई है। लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ, बहुत ही झूठे और फरेबी इंसान हो तुम। अरे 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 मेरी बात तो सुने बाबा। बच्चों! अरे आ रहा हूँ बाबा। अरे जानी बाबा देखो कहीं हम फंस में जाए यार। बाबा साईं जरीना को बचाने का बस यही एक तरीका है, वरना बेचारी पकड़ी जाएगी। अच्छा अच्छा ये शौकत आएगा भी या नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा, मैंने फोन किया ना, बस किसी लम्हे भी लो। अस्सलाम वालेकुम। भाई अचानक इतनी जल्दी में बुला लिया, खैरियत तो है? घर में शादी चल रही है भाई। अरे शादी वादी होती रहेगी, आप इधर बैठे। क्या हुआ शौकत भाई? हाँ आपको हमारी मदद करनी होगी। अरे भाई हुक्म करो, जान लुटा चुका। जान का हमने क्या कर रहा है, मुझे याद पड़ता है आपने एक दफा कहा था कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। हाँ हाँ बहुत अच्छी, अरे मेरी तो बड़ी इज्जत है। कैसी इज्जत बाबा? फिल्म स्टार साहिबा मुझे देखते कहती है कोल्ड ड्रिंक लाओ कोल्ड ड्रिंक लाओ। फिर मैं भाग के कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। अरे मैं जैसे स्टूडियो में घुसता हूँ फिल्म स्टार रीमा मुझे देखते छुटक रख देती है। वो क्या कहती है? कहती है पहले इस जाहिल को बाहर निकालो। ये कैसी इज्जत है भाई? फिल्म स्टार मीरा मुझे देखते गाड़ी की चाबी मेरी तरफ फेंकती है। फिर क्या कहती है? कहती है गाड़ी सही से साफ करना। इसका मतलब आपको एक्टिंग सही से नहीं आती होगी ना? आती है भाई सर। अच्छा और क्या? तो फिर मुझे एक डायलॉग बोल के दिखाएंगे आप? क्या बोलना? कुछ ऐसा है आपने कहना है, इन भैंसों का कातिल मैं हूँ, इनको गलत इंजेक्शन देके मैंने मारा है, जो कर सकते हो कर लो मेरा। बस ये बोलना है? शाबाश ये बोलना है। अरे हाँ बाबा बस यही बोलना है, बोल पाओगे ना बाबा? हाँ क्यों नहीं भाई बोलो। एक काम करें बाबा सही,
आप दोनों बाहर जाके ना रिहर्सल करें, मैं जरा बच्चू भाई से मिल लेता हूँ। हाँ चल के बाबा बाहर रिहर्सल करते हैं। अच्छा, आजा, 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 आजा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जरीना, जो होना था वो हो गया, रोना बंद करो। देखो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, लड़ती हूँ लेकिन प्यार भी तो करती हूँ ना। हाँ लेकिन अगर अदा बच्चों को पता चल गया तो वो तो मेरी खैर नहीं है, चल छोड़ेगा। नहीं नहीं, बच्चों को नहीं पता चलेगा ना, हमने सारी तैयारी कर ली है। क्या तैयारी की है? वो तो तुम्हें जाने ही बताएगा। अरे भाई ये बताएं, बच्चू भाई को कहीं देखा है? बच्चू यही कहीं होगा। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने शौकत भाई को पटा लिया, बस वक्त पे आपने बेग साहब को लाना है। मैंने फोन कर दिया बेग साहब को, वो आ रहे होंगे। हाँ बाबा, किसी को शक तो नहीं होगा? वाह जानी ने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। ठीक है जानी, तुम बच्चों को वहाँ बुलाओ, मैं और जरीना आते हैं। पता नहीं ये बच्चू भाई कहाँ चले गए, मैं जरा देखता हूँ बच्चू भाई है किधर। ध्यान से अल्लाह खैर करे, आइंदा परेशानी करूंगी। हो जाएगा। बच्चू भाई किधर है? अरे बाबा क्या हो गया, फिर कोई बुरी खबर है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छी खबर है। अरे बाबा क्या खबर है बताओ? भैंसों का कातिल मिल गया। किधर है बाबा? मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबा, है किधर? अरे बच्चू भाई कानून को हाथ में मत लेना, जो काम करना है पुलिस ने करना है। बाबा है किधर? बाहर लॉन में बैठा हुआ है, और मजे की बात यह है खुद ही इकबाल है जुर्म कर रहा है। अरे बाबा जानी उसे छोड़ना नहीं है, बदला पूरा लेना है बाबा। एक काम करें, बेग साहब को लेके लॉन में आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है बाबा, लेकिन बेग साहब हैं किधर? बेग साहब बस आ ही रहे होंगे। आई काम करें, आप भी फोन कर लें, मैं जरा उसको देखता हूँ। हाँ बाबा देखो देखो जल्दी करो। ओ जी मिल जाए बाबा मुझे, देखो छोड़ूंगा नहीं। शुरू हो जाओ बाबा, शुरू हो जाओ। हाँ हाँ मैं ही भैंसों का कातिल हूँ, मैंने ही गलत इंजेक्शन देकर भैंसों को कत्ल किया है, कर लो जो कर सकते हो मेरा। अब ठीक है? हाँ ठीक है बाबा, लेकिन थोड़ा सा जो है अटक रहे हो यार। हाँ भाई शौकत, याद हो गया? हाँ हाँ मैं ही भैंसों का कातिल हूँ, मैंने ही गलत इंजेक्शन देकर भैंसों को कत्ल किया है, कर लो जो कर सकते हो मेरा। अब ठीक है? क्या बोला? अरे अभी तो बताया यार। मजा नहीं आया। अरे भाई डायलॉग बोलना किसने? मैंने नहीं मैंने। अरे बाबा मैं ही बोल लेता हूँ ना। अरे भाई जो भी बोले लेकिन जरा टिका के बोलना, ठीक है? कैसे? हाँ हाँ मैं ही भैंसों का कातिल हूँ, मैंने ही गलत इंजेक्शन देकर भैंसों को कत्ल किया है, जो कर सकते हो कर लो मेरा। अब बोलो कौन बोलेगा? अरे बाबा मजा नहीं आया यार, थोड़ा सा फिर से। अरे भाई घर में शादी चल रही है और आप लोगों ने मुझे डायलॉग पे लगा दिया। अरे शौकत भाई तवज्जो के साथ बोलो, दिल लगा के बोलो, आंखें बंद करके बोलो। हाँ ट्राई करो। हाँ हाँ हा, मैं ही भैंसों का कातिल हूँ, मैंने ही गलत इंजेक्शन देकर भैंसों को कत्ल किया है, कर लो जो कर सकते हो मेरा। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो फिर कहाँ? चलो थाने चल रहे। क्या है बला, किसी ने जिबा कर दी जो इतने चीखे मार रही हो? जिबा तो तुम होगी। चार्जर कहाँ मेरा? चार्जर? मुझे नहीं पता था कि तुम चार्जर से चलती हो। बहुत हंसी आई। बाबा मसला ये है कि मेरी बीवी और मेरी बहन दोनों मेरी इज्जत नहीं करते बाबा, आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं। अगर मैं बीच में बोलूं बाबा मेरी बेइज्जती कर दो। बस समझ गया बस। अच्छा बाबा, ओ ये बला मस्करा कौन है? अरे जरीना तमीज से बात करो, ये बाबा है। कौन सा मेरा बाबा है जो मैं से तमीज से बात करूं? क्या है बच्चू, क्यों पटर ढोकरा चीखे जा रहे हो? तमीज से बात करो बाबा, इनसे मिलो, ये है बाबा। गांव वाले बाबा क्या कम थे जो एक और बना लिए? अकेला आदमी हूँ, इतने लोगों का नाश्ता बनाना टाइम तो लगेगा ना। क्या बात कर रहे हो बाबा? अच्छा ऐसी बात है तो आप खुद बना के देख लें। अच्छा बाबा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नाश्ता बनाऊं तो मैं नाश्ता बना देता हूं। हैं? तो भला फिर आप ऐसा करो कि मेरे लिए आलू का पराठा और गरम गरम तरकारी जो होती ना मिर्चों वाली, वो बना के ले आओ मेरे लिए। है अभी बस अभी गया और मैं अभी लेकर आया। आप मुझे सोने का सेट दिलाएंगे? सोने का सेट? हाँ बाबा क्या बात कर दी, अभी के लिए मैं तरकारी बना दूं, आलू का पराठा भी, फिर चलेंगे बाबा आपको सोने का सेट दिलाएंगे। वाकई?
लो बला क्या, हम लोग बला क्या, फुटपाथ पर रहेंगे क्या? देखिए प्लीज, हमारी इनसे डील हो रही है, आप बीच में ना आए। अरे क्यों ना बोलो बीच में, मैं इनकी बीवी हूँ और मैं इनकी बहन हूँ। ये घर किसके नाम पर है? जी बाबा मेरे नाम पे। तो बस फिर 60 लाख में सौदा करते हैं। हाँ बाबा करे बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। अरे बाबा इसके दिमाग पे चोट लगी है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये? बाबा साहब पता नहीं है किस चक्करों में पड़ा रहता है, उस दिन भी किसी बाबे को घर में ले आया था। बाबा कौन सा बाबा? वही मंत्र तंत्र वाला बाबा, बुबू बाबा। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है, बट्टा सट्टा जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए